हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये इन्वेंटरी इन्फो वाला ऑप्शन एक्टिवेट कैसे करेंगे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में जब आप डाउनलोड करते हो टैली को या फिर आपके पास टैली अगर इंस्टॉल है तो कभी कभी ये इन्वेंटरी इन्फो ऑप्शन जो है हमें दिखाई नहीं पड़ता, तो उस कंडीशन में हमें बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि इन्वेंटरी इन्फो में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर स्टॉक से रिलेटेड सारी डिटेल हमको मिलती है, और यही ऑप्शन अगर गायब होगा तो हम काम कैसे करेंगे। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, कहां से ये एक्टिवेट होगा। यहां पर तो मेरे में एक्टिवेट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ऐसा होता होगा कि अदर सिस्टम में अगर एक्टिवेट नहीं है तो उसी को एक्टिवेट करना सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहां से जो ये फीचर्स ऑप्शन है, ठीक है, यहां पर आ जाइए और ये अकाउंटिंग फीचर पर आने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे अकाउंटिंग फीचर्स है ये ओपन हो जाएगा, और यहां पर देख सकते हैं मेंटेन अकाउंट्स ओनली, ये नो है। यहाँ पे देखिए ये नो है, ठीक है, तो इसको आपको कर देना यस। ठीक है, यहां से वाई प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और इसको यस कर दीजिए और कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब अगर हम यहां पर आते हैं तो ये जो है अब हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, जब ये यस रहेगा तो ये हमें नहीं दिखाई पड़ेगा। अब देखिए यहां पर जो इन्वेंटरी इन्फो आ रहा था वो अब गायब हो चुका है। ठीक है, और फिर अगर इसको लाना है तो क्या करेंगे, तो फिर वापिस हम जो है फीचर्स पे जाएंगे, ये फीचर्स पे आ गए, और फिर जाइए अकाउंटिंग फीचर्स पे और यहाँ पर जो यस ऑप्शन है इसको कर दीजिए नो। ठीक है, एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पर जब हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली पर तो आपको ये इन्वेंटरी इन्फो दिखाई पड़ने लगेगा। तो ये बहुत ही आसान है, और अगर आप स्टॉक से रिलेटेड डिटेल्स देखना चाहते हैं तो इन्वेंटरी इन्फो तो एक्टिवेट करना ही होगा। ठीक है, अगर आपको स्टॉक ग्रुप बनाना है, स्टॉक आइटम बनाना है, यूनिट मेजर बनाना है, वाउचर टाइप मेंशन करना है, ठीक है, इन सब के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके।